लेकिन अब सीधे इंफॉर्मेशन वॉल पर एक क्विक अपडेट आपके सामने, क्योंकि लगातार अलग अलग वॉर फ्रंट से आ रही तबाही की ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि किस तरीके से राफा में हमास के निशाने इसराइल मिटा रहा है। गाजा में आईडीएफ पर हमास के बड़े हमले की तस्वीर सामने आई, वहीं प्रदर्शनकारियों ने लिबर बिल्ड का कैसे घेराव किया वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, जहां जल चुनाव की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी और ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच आगे बढ़ रहे सैनिकों की तस्वीर भी एक और सबसे बड़ा सबूत की आखिर इस वॉर फ्रंट में किस तरीके से हमलों अंजाम दिया जा रहा है। वहीं ज़ेरोज़िया में भी किस तरीके से यूक्रेनी ड्रोन ने पीछा करके निशाना आया वो तस्वीर आपने देखी, वहीं Mi-28 से किस तरीके से अनगाइडेड मिसाइल से हमलों को अंजाम दिया गया वो तस्वीर, और आखिर की ये दो बड़ी खबरें थी। आपने देखा बाढ़ से बदतर स्थिति में इटली के साथ साथ चीन के वो इलाके जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, और नतीजा ये कि 28 इलाकों में इस वक्त हुबेई के बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस बीच अब आपको बता दें कि बेरूत पर बड़े हमले को लेकर आज खबर बड़ी है, क्या इजरायली फाइटर जेट्स ने लेबनान में घुसकर बड़े हमले को अंजाम दिया है। बड़ी खबर पर थोड़ी देर में इंफॉर्मेशन आपके सामने, साथ ही इजराइल से बदला लेगा इराकी रेजिस्टेंस। आपको बता दें इराकी रेजिस्टेंस की तैयारी में क्यों टेंशन में है इसराइल, इसको लेकर होगा एक्सपर्ट से बड़ा सवाल। साथ ही रूसी बॉर्डर पर नेटो वेपन्स की तैनाती, बड़ी खबर आई नेटो के वेपन रूस और चीन बॉर्डर के पास तैनात होने वाले हैं। वहीं रूस और चीन किस तरीके से अब नेटो देश का करेंगे घेराव, बड़ा सवाल। नेटो की नई फोर्स है तैयार, 24 घंटे के अंदर नेटो कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकता है। मैं आपको इस बीच बता दूं कि दो खास एक्सपर्ट्स इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जहां आज के इस हालात को लेकर पूरा एनालिसिस होगा। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ ही इस वक्त दीपक वोरा सर फॉर्मर एम्बेसडर मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बख्शी सर, आज के इस हालात में नेटो के घेराव को लेकर होगा सवाल, लेकिन उससे पहले दीपक वोरा सर सवाल आपसे इस लिहाज से समझना जरूरी है कि यह तैयारी अब क्या संकेत दे रही है। युद्ध का विस्तार दोनों फ्रंट पर इस कदर हो चुका है कि अब टेंशन इसराइल की बढ़ती जा रही है। आभारी हूँ मैम, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच आपने बुलाया, और साथ में जनरल जीडी बख्शी साहब है उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा। जो आप कह रही है मैम बहुत जल्दी से आपको बता देता हूँ, इस समय तीन एरियाज हैं जिन्हें हम हॉटस्पॉट्स कहते हैं। पहला तो आप जानती हैं कि सारी दुनिया बात करती है इसराइल की और यूक्रेन की, हम भूल जाते हैं कि हमारा बिगड़ा हुआ शहजादा भी है नॉर्थ कोरिया में, वो कभी इधर मिसाइल फेंकता है कभी उधर फेंकता है, उसको मैकडोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने कंट्रोल कर रखा था, अब वो बेकाबू हो गया। तीसरा है चाइना ताइवान, ये हॉटस्पॉट्स हैं। लेकिन ये मत भूलिएगा मैम इसके अतिरिक्त साहिल वेस्ट अफ्रीका सेंट्रल अफ्रीका में तबाही मची हुई है, सूडान में मची हुई है। लेकिन इसराइल की जो अभी आपने बात की है, हमेशा मैम एक चीज याद करनी है, हिजबुल्ला हमास और हूती उन्होंने कसम खाई है कि इसराइल को मिटा देंगे, ईरान ने भी ये कसम खाई है और इसराइल ने कसम खाई है कि मैं अपने आप को सुरक्षित रखूंगा। अब ये दोनों के बीच में रिलीजियस वॉर हो चुकी है मैम, देखा आपने देखे होंगे वो वीडियोस, आप ही के चैनल पे मैंने देखे थे जनरल बख्शी साहब, 7 अक्टूबर में जब हमला किया था तो एक जो हमलावर था हमास का वो अपनी माँ को फोन करके कहता माँ मैंने उस यहूदी लड़की को मार दिया। अरे यहूदी का इसराइल से क्या लेना देना है, यहूदी लड़की को, ये जो आपका आतंकवादी देश है हमारा पड़ोसी वो भी हिंदुओं से हम लड़ रहे हैं, ये जहां आप धर्म को ले आए हैं और हमास और हूती फूती सब ला रहे हैं मैम, दिस इज वेरी डेंजरस। मुझे लगता है कि इजराइल अपने सर्वाइवल के लिए जो उसको करना है करेगा। इराक की किस तरीके से अब अलग अलग फ्रंट पर तैयारी को लेकर संकेत मिलते हैं। जीडी बख्शी सर सवाल इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले इसराइल की तरफ से नेतन्याहू की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया एक नहीं बल्कि 7 ऐसे फ्रंट है जहां पर वो मुकाबला इराक का कर रहे हैं। बख्शी सर सवाल आपसे है ईरान से, बिल्कुल ईरान का ये जो सहयोग है प्रॉक्सीज को मिल रहा सहयोग उसी आधार पर इसराइल की क्या मुश्किलें बढ़ नहीं चुकी। देखिए इसराइल की स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है इसराइल की स्ट्रेटजी, वो हमेशा उसको जो है कई लोगों ने मिलकर हमला किया है, चाहे 47-48 हो चाहे 1967 हो चाहे 1973 हो, तीन चार देशों ने मिलकर हमला किया है और इसराइल की स्ट्रैटेजी रही है एक एक करके उसने उनको चुनकर उनको तबाह किया है। अब इस लड़ाई में भी उसने पहले हमास पे फोकस किया, अब वो अपना फोकस शिफ्ट करने जा रहा है हिजबुल्ला के ऊपर और लेबनान के ऊपर। बात बड़ी सीधी है, 70,000 इसराइली नागरिक उनको नॉर्दर्न इसराइल से हटाना पड़ा है क्योंकि वहाँ पे उनकी शेलिंग हो रही थी, रॉकेट फायर हो रहा था। ये कब तक इसराइल इसको बर्दाश्त कर सकता है? आप जो कुछ भी कहें इसराइल को अपनी सिक्योरिटी के लिए लड़ना ही होगा
और उनकी कोशिश ये रहेगी कि अब जब वो एक बार मोबिलाइज कर चुके हैं तो वो लड़ाई खत्म करके ही डीमोबिलाइज। लेकिन अब कैसे इस लड़ाई की शुरुआत हुई है बख्शी सर? इसी बड़ी खबर के बाद मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि हिजबुल्ला पर आईडीएफ के विध्वंसक हमले को लेकर खबर है, जहां दक्षिणी लेबनन के खुले इलाके में अटैक को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, इजरायली वायुसेना ने इस घातक हमले को अंजाम दिया। तस्वीर आपके सामने है, हिजबुल्ला का ये लॉन्च सेंटर जिसे तबाह करने का किया जा रहा है दावा।